नमस्कार। दिल हमारा ठीक यहाँ पे होता है। जब दिल में कोई बीमारी होती है तो उसे दिल की बीमारी व हृदय रोग व हार्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। दिल की बीमारी कई बच्चों को माँ के कोख में ही हो जाती है, जिसे हम जन्मजात बोला जाता है। हृदय रोग जन्मजात, आपको हृदय रोग की बीमारी जन्मजात से ही है। कई बच्चों को जन्म के बाद की हृदय रोग की शिकायत होती है। कई व्यक्तियों को जवानी में आके हृदय रोग की, जब जवान अवस्था में होते हैं तब उनको हृदय रोग की शिकायत होती है। कई व्यक्तियों को बुढ़ापे में आके हृदय रोग की शिकायत होती है। और कई व्यक्तियों में ये देखा जाता है कि उनके दादा को, पिता को, या उनकी माता को हृदय रोग की शिकायत है, जिसकी वजह से उनको आगे हृदय रोग की शिकायत हुई है। इसे हम हेरिडिटरी या पारिवारिक इतिहास या वंशानुगत से भी जानते हैं। दिल की बीमारी का सही समय पे अगर पता चल जाए तो उसे हम ठीक ढंग से जड़ से ठीक कर सकते हैं। दिल की बीमारी से परेशान महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिल की बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों में क्या होता है, देखा जाता है कि दिमाग में कोई भी बात हो वो अपने दिल में दबा के रखते हैं, जल्दी से बोलते नहीं हैं, वो सब कुछ अपने दिल में ही दबा के वो रखते हैं। जबकि उसकी तुलना में महिलाओं को देखा जाता है कि जो भी मन में, दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे वो बोल देंगे, चाहे वो गुस्से से बोले, अपने मन की भड़ास बाहर निकाल लेते हैं, मगर पुरुष अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। इसलिए पुरुषों को ज़्यादा ये तर देखा जाता है कि दिल की बीमारी से परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ये बीमारी नहीं होती, मगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम होती है। कई रोगी ऐसे होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जी हमें दिल के डॉक्टर ने बताया कि हमारी धमनियों में खून दौरा ठीक ढंग से नहीं कर रहा, जो कि कभी भी हमें दिल की अटैक की शिकायत आ सकती है। हमें एक बार ही अटैक आ चुका है, कई कहते हैं जी हमें 2 बार अटैक आ चुका है, कई कहते हैं जी डॉक्टर ने ये कहा है सिर्फ अभी अभी आपको खतरा आया नहीं है, लेकिन आगे आ सकता है। कई रोगी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने बताया कि दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, या कई रोगी कहते हैं जी वसा जमा हुआ है, कई रोगी कहते हैं जी प्लाक, चिपचिपा पदार्थ होता है वो जमा हुआ है, तो जिसकी वजह से आपकी धमनियाँ रुकी हुई हैं, ब्लॉक होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका कभी भी हार्ट फेल हो सकता है। इस तरह के वो हमें इसी तरह बताते हैं कि डॉक्टर ने हमें ये बताया है। कई रोगी कहते हैं जी हमें कोरोनरी धमनी की बीमारी बताई है, जिसमें धमनियों के अंदर हमारे वसा, कोलेस्ट्रॉल या प्लाक आदि जमा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा दिल ठीक ढंग से काम नहीं करता है। कई रोगी ऐसे आते हैं जी हमारे दिल की धड़कन, डॉक्टर ने बोला कि दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। कई रोगी ऐसे आते हैं वो कहते हैं जी हमारे दिल की धड़कन घटी हुई रहती है, डॉक्टर जब भी चेकअप करवाते हैं वो कहते हैं जी आपकी दिल की धड़कन कम हो जाती है, दिल की धड़कन जितनी सामान्य होनी चाहिए उससे कम रहती है आपकी। कई रोगी ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं कि जी दिल के डॉक्टर ने हमें ये बताया कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है, जो धमनी, दिल की धमनियों के ऊपर दीवार के ऊपर वसा या कोलेस्ट्रॉल या प्लाक आदि जमा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी धमनियाँ दब रही है और खून दौरा अच्छे से नहीं हो रहा है। कई रोगी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें दिल के डॉक्टर ने बोला है कि दिल की वाल आपकी श्रिंक हो गई है, या कई रोगी ऐसे होते हैं वो बोलते हैं जी दिल की वाल्व हमारी फैल गई है, या कई रोगी ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं दिल की वाल ख़राब हो गई है, या कई रोगी ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारे दिल की वाल ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। जिन व्यक्तियों को दिल में छेद की शिकायत होती है, ऐसे व्यक्तियों का हम इलाज नहीं करते, मगर इसके अलावा जितनी भी प्रकार के दिल की बीमारी होती है सभी को इलाज करते हैं, सभी का इलाज करते हैं। और उनको ये भी बोलते हैं कि जी जो आपको दिल के स्पेशलिस्ट जो हैं, हृदय रोग स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिखी हैं वो दवाइयाँ आप खाते रहिए, साथ में हमारी दवाइयाँ आधे घंटे के अंतर पे लीजिए, और आप रूटीन से दिल के डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाते रहिए और पता करते रहिए कि आपको हमारी दवाई खाने से आपको कितना लाभ हुआ है, टेस्ट करवाते रहिए ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपको हमारी दवाई खाने से कितना ज़्यादा फायदा हुआ है, और हमें बताइए ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारा मरीज़ कितना ठीक हुआ है। दोस्तों कई लोगों को बोल देखता हूँ कि जी आप हमारी दवाई खाइए, आप अंग्रेजी दवाई बंद कर दीजिए, जिससे क्या होता है मरीज़ बद से बदतर हो जाता है। क्योंकि देखिए देसी दवाई धीरे धीरे बीमारी को ख़त्म करती है लेकिन जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हमारी दवाई के साथ आप अंग्रेजी दवाई भी खाते रहिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप जड़ से भी ठीक हो सकें। अब आप कहोगे कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा जी आपने बीमारियां तो इतनी सारी बतवा दी हमें, गिनवा दी, मगर आप अब लक्षण तो बताइए क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हम हृदय रोग से परेशान हैं। तो आप परेशान मत होइए, मैं अब आपको लक्षण बता देता हूँ। सबसे पहले कई तरह के जो हमारे पास रोगी आते हैं उसमें से किसी रोगी को क्या होता है कि छाती में भारीपन, छाती में दबाव महसूस होता है, छाती में दर्द महसूस होता है।
किसी रोगी को क्या होता है कि ये गले में, छाती में, गर्दन में और बाजू में दर्द, दोनों बाजू में, किसी को एक बाजू में दर्द होता है और बार बार होता रहता है। किसी रोगी में ऐसा लक्षण देखने में आता है कि वो थोड़ा भी काम करते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, दिल में यहाँ जलन होने लग जाता है और दम घुटने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी गया तो अभी गया। किसी रोगी में ऐसा देखा जाता है कि घबराहट बहुत तंग करती है, बेचैनी बहुत तंग करता है, चक्कर आने लग जाते हैं और हमेशा टेंशन ग्रस्त रहते हैं, ज़्यादा ज़रा सा भी टेंशन लेते हैं तो माथे पे एकदम, जहाँ भी घुटन वाली जगह पे रहें तो एकदम पसीना होने लग जाता है, घबराहट बेचैनी से परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ा लक्षण जो देखा जाता है घबराहट बेचैनी, घुटन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सबसे खास तौर पे हृदय रोग में देखा ही जाता है। ऐसे किसी भी तरह का हृदय रोग में ये सबसे पहले लक्षण यही मौजूद होता है। अब मैं आपको हृदय रोग क्यों होता है इसके कारण बता देता हूँ। किसी व्यक्ति को देखा जाता है कि वो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करता है, या खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करता है, या घी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, चिकनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बाजार की तली फली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल के कारण उनको दिल की बीमारी होती है। किसी व्यक्ति को क्या कहूँ कि मैं ज़्यादातर व्यक्तियों को ये देखता हूँ जिनका बीपी हाई रहता है। मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, 1-2 मिनट फालतू ज़रूर लगेगा, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की नसें नाड़ियाँ कमज़ोर होती हैं और सख्त हो जाती है और बीपी हाई की शिकायत रहने लग जाती है। तो हम बीपी की दवाई तो दे देते हैं, लेकिन रोगी क्या होता है, जो मरीज़ होता है वो टाइम पर दवा नहीं खाता, आज खाई कल नहीं खाई, तो उसके चक्कर में उनको हृदय रोग की बीमारी हो जाती है। किसी रोगी में देखा जाता है कि खाना तो बड़ा अच्छा खाते हैं जी, बड़ा पौष्टिक पौष्टिक खाना खाते हैं और दबा के खाते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं, मगर क्या करते हैं, खा के सो जाते हैं जी, खा के बैठ जाते हैं जी, खा के टीवी देखते हैं जी, तो उसके कारण भी हृदय रोग की शिकायत उनको हो जाती है। किसी रोगी का क्या देखा जाता है कि दिल की मांसपेशियों में गांठ बन जाती है, दिल की मांसपेशियों में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जमा हो जाता है, ज़्यादा मांसपेशियों में आयरन जमा हो जाता है जिसे हम लो बोला जाता है, या दिल की मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, दिल की मांसपेशियों में सूजन होने के कारण भी उनको हृदय रोग की शिकायत हो जाती है, धीरे धीरे दिल कमज़ोर हो जाता है और हृदय रोग की शिकायत हो जाती है। कई रोगी को मैंने देखा है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि मोटापे के कारण भी दिल की बीमारी हो जाती है। मोटापा तो कहते हैं ना कि बीमारियों का घर है, एक गई तो दूसरी आई, और ज़्यादातर बीमारियां मोटे व्यक्तियों को होती हैं, पतले व्यक्तियों को भी होती हैं, मगर मोटे की तुलना में पतले व्यक्तियों को कम बीमारियां होती हैं। कई रोगियों को रूमेटिक फीवर होता है, संक्रमण के कारण हमें बुखार होता है, वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण जब होता है तब हमें ये बुखार होता है, और बुखार का इलाज हम क्या करते हैं, टीका लगवा लिया, गोली खा ली और देखा नहीं कि बुखार कौन सा है। तो क्या होता है कि दिल की मांसपेशियों, दिल में सूजन पैदा कर देता है, खून की नसों में सूजन पैदा कर देता है और जोड़ों में सूजन पैदा कर देता है, जिसे रूमेटिक फीवर बोला जाता है। पीछे आपने देखा होगा चिकनगुनिया का बुखार भी चला था, जिसमें बुखार तो लोगों का 1-2 दिन में 3 दिन में चला जाता था, मगर दर्दों से परेशान रह जाते थे। तो उसमें के कारण भी रूमेटिक, इस तरह के बुखार जो बोलते हैं हम, रूमेटिक फीवर बोला जाता है इनको, तो इस तरह के बुखार के कारण भी दिल की बीमारी हो जाती है, जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज बोला जाता है। कईयों को सिगरेट ज़्यादा पीने की वजह से, या शराब जो आजकल ट्रेंड में कहते हैं ना कि फैशन सा बन गया है, जिसको पूछो जी आप ड्रिंक लेते हो, हाँ जी शाम के टाइम इतनी लेते हैं जी, इतनी लेते हैं जी, मतलब एक फैशन सा बना लिया। बताओ, एक बात बताओ मुझे कि शरीर में जूस डालने की वजह आप उसमें तेजाब डाल रहे हो, तो क्या होगा शरीर का, बीमारियाँ ही उत्पन्न होगी और क्या होगा। तो ट्रेंड तो खैर मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपको जितना अपने शरीर को अच्छा बना के रखेंगे उतनी लंबी आयु आप जी के जाएंगे। अब आप कहेंगे जी शराब से तो खून पतला होता है तो दिल की बीमारी कैसे होगी, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो हम धूम्रपान जिसे कहते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या दारू का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि इनकी तलब ना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जो कि आगे चल के हमारी नसें नाड़ियों को सिकुड़ा देती है, अकड़ा देती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी हो जाती है। किसी व्यक्ति को क्या होता है कि देखा जाता है कई बच्चों को जन्मजात माँ के कोख में ये बीमारी हो जाती है, दिल की बीमारी से परेशान रहते हैं। कईयों को क्या देखा जाता है कि उनके परिवार में इतिहास मिलता है कि दादा को है, बाप को है या माँ को है, जिसकी वजह से उनको दिल की बीमारी हो गई है। कईयों को तो ऐसा देखा जाता है कि टेंशन की वजह से, टेंशन से मुझे याद आया कि ये धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर भगवान भी आए तो उनको भी टेंशन हुई है, तो हम आप किस चीज़ क्या हैं, इसलिए इतना टेंशन मत रखें। टेंशन तो धरती पे जो आ गया उसको रहनी रहनी है, तो इसलिए टेंशन आए उसे भेज दीजिए वापिस, जाओ जी आप, आपका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है।
जो व्यक्ति ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनको भी देखा जाता है कि हार्ट की बीमारी ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि इससे नसें नाड़ियाँ सख्त हो जाती हैं और खून दौरा ठीक ढंग से नहीं करता, जिससे दिल की बीमारी का कारण बनती है। जो चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या मान लीजिए ज़्यादा टेंशन की दवाइयाँ खाते हैं, जिसे डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, जो नींद की दवाइयाँ खाते हैं, नींद आ जाए इसके लिए दवाई खा के सोते हैं, तो उसके कारण भी दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं। दिल का वाल्व या धमनी ठीक ढंग से काम ना करे, उनमें सूजन हो, ब्लॉकेज हो, सिकुड़ाहट हो, उसके कारण भी दिल की बीमारियां तंग करती हैं। दिल में संक्रमण के कारण भी बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई लीवर काम नहीं कर रहा है या गुर्दे काम नहीं कर रहे, या मान लीजिए आंतड़ियां काम नहीं कर रही जिसकी वजह से दिल में संक्रमण हो गया, या बैक्टीरिया वायरस के कारण संक्रमण हो गया आपके दिल में, उसकी वजह से भी दिल की बीमारी हो जाती है। अब दिल की बीमारी में परहेज बताए तो दिल की बीमारी में ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा मिठाइयों का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा बाजार की तली फली घी का इस्तेमाल मत करें, धूम्रपान का इस्तेमाल मत करें, शराब का इस्तेमाल मत करें। आपको बीपी की बीमारी है तो उसे कंट्रोल में रखें, शुगर की बीमारी है तो टाइम से उसकी दवा खा के उसको कंट्रोल में रखें, अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो थायराइड की दवाई नियमित रूप से लेते रहें ताकि आपको हृदय रोग की शिकायत ना हो। और अपने मोटापे को भी खास तौर पे कहूँगा कि जो व्यक्ति हाइट के अनुसार जिनका वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वजन है, तो अपने मोटापे को कम करें, मोटापे को अपने कंट्रोल में रखें ताकि शरीर का वजन कंट्रोल में रहे और जिससे आप बिल्कुल ठीक रहें। ज़्यादा टेंशन मत रखें, ये तो आपके परहेज हो गए। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो बताता हूँ। नियमित रूप से अपना व्यायाम जरूर करें या कोई एक्सरसाइज जरूर करें, दिन में आधा घंटा कम से कम पैदल जरूर चलें, और ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद तो 10-15 मिनट जरूर पैदल चलें ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकें। जो व्यक्ति पैदल नहीं चल सकते या जिनके पास समय नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो योग का सहारा ले सकते हैं। योग करें जिससे आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ रहे। दिल के जो ख़ास तौर पे कहते हैं कि प्राणायाम और कपालभाति और अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद आप सेब का खाली पेट इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लहसुन की 2 से 4 कली का खाली पेट चबा के खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद आपके लिए नींबू पानी, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के हल्का शहद डाल के या नमक डाल के, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर बीपी की बीमारी है तो आप गर्म पानी में केवल नींबू निचोड़ के वही खाली पेट इस्तेमाल करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फलों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट भिगो के लें जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, जूस का इस्तेमाल रोज़मर्रा में ज़रूर करें ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपका खून पतला रहे, किसी तरह की हृदय रोग की शिकायत आपको ना हो सके। अब मैं आपको इलाज बताता हूँ दिल की बीमारी में जो क्या इलाज किया जाता है। सबसे पहले मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में आपने क्या करना है कि 4 कलियाँ लहसुन की लेके पीस के उसका एक कंच की कटोरी में या गिलास में उसका रस छान के डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच नींबू का रस उसमें डाल दीजिए और 5 चम्मच अब आपने सेब, हरे सेब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हरे सेब मौसम में ही मिलते हैं, बेमौसम में तो दूसरे सेब मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे सेब को भी अच्छी तरह कद्दूकस करके या मान लीजिए जूसर में उसको पीस के उसका रस निकाल के 5 चम्मच उसमें मिला दीजिए। 1 चम्मच उस कटोरी में शहद मिला दीजिए। अगर आपको शुगर है तो कोई बात नहीं, आप शहद मत मिलाइए, वैसे ही उनको सबको मिला के सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। और ठीक याद रखें कि जैसे आपने इसका इस्तेमाल किया तो 1 घंटे तक कुछ मत खाएं, कुछ मत पिए ताकि आपको ये दवा पूरा असर कर सके, जिससे आप बिल्कुल दिल की बीमारी से बिल्कुल जड़ से ठीक हो सके। इस प्रयोग को आपने लगातार कुछ महीने करना है ताकि आप दिल की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकें। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में गाजवान आता है, अर्जुन की छाल आती है और अलसी के बीज, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर मात्रा में लेनी है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, गाजवान आता है, अर्जुन की छाल आती है और अलसी के बीज आते हैं, ये तीनों आपने बराबर मात्रा में लेनी है। कहाँ से मिलेगी ये भी बता देता हूँ। देसी जड़ी बूटियाँ या देसी दवाइयाँ जिसे रखते हैं उसे हम पंसारी बोला जाता है, उनको पंसारी कहा जाता है, उनके वहाँ से आपको मिल जाएगी। इनको ला के अलग अलग अच्छे से पीस के पाउडर बना ले, फिर इन सबको एक जगह मिला के किसी
डब्बे में ढक्कन लगा के बंद करके रख दें, और जब इस्तेमाल करना हो सुबह शाम एक चम्मच लिया और गर्म पानी के साथ इसका सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और ठीक याद रखें उसी तरह इसको इस्तेमाल करने के बाद एक घंटे तक कुछ खाएं पिए ना, ताकि आपके दिल की सभी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकें। जो व्यक्ति इसको पाउडर के रूप में नहीं खा सकता, कोई बात नहीं, इसका जो हमने पाउडर बना के रखा है इस पाउडर में से एक चम्मच पाउडर लेके एक कप पानी में डालना है, उसको उबालना है। जब पानी आधा कप बच जाए उसको छान के सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है। और ठीक यही याद रखना है कि इसको लेने के बाद इसमें आप थोड़ा ज़रूरत अनुसार मीठा मिला सकते हैं, अगर आपको शुगर है तो आप मीठा मत मिलाइए, वैसे ही ले लीजिए। और एक बात ये ध्यान रखना है कि इसको लेने के बाद एक घंटे तक अपने खाना पीना नहीं है, ताकि ये दवा आपकी दिल की सभी तरह की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सके। अब मैं आपको रेडीमेड औषधि बताया, तो रेडीमेड औषधि उन्हें बताई जाती है जिनके पास समय का अभाव होता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अर्जुना रिष्ट आती है वो 3 से 6 चम्मच उम्र के अनुसार आपने लेना है, एक कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है। इसी तरह खमीरा गाजवान आता है वो आप लेके 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले आपने लेना है। दवाई को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अर्जुना रिष्ट आती है 3 से 6 चम्मच आपने आधा कप पानी में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करना है खाना खाने से पहले। खमीरा गाजवान आता है जो कि 1 चम्मच सुबह शाम आपने खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। ये दवाइयाँ आपको देसी जड़ी बूटियाँ जो रखते होंगे, देसी दवाइयाँ जो रखते होंगे उनके पास मिल जाएगी, या देसी जो स्टोर होंगे दवाइयों का उनके पास आपको मिल जाएगी। तो ये ला के आपने इस्तेमाल करना है। इसमें भी वही करना है आपने कि ये दवाई गर्म पानी के साथ लेनी है, और दूसरी बात इसको लेने के बाद एक घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, ताकि ये आपकी दिल की सभी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सके। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, आपने 3 उपचार नहीं करने, केवल 1 उपचार करना है। आपको जो अच्छा लगे आपने वो उपचार करना है, चाहे घरेलू चाहे आयुर्वेदिक चाहे रेडीमेड, आपको तीनों में से जो 1 उपचार करना है केवल। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जिनके दिल में छेद है वो इनमें से किसी तरह की कोई बीमारी, कोई भी दवाई जो मैंने आपको बताई है वो ना इस्तेमाल करें, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दिल की बीमारी में, दिल में छेद को छोड़ के सभी तरह की बीमारियों में ये दवाइयाँ लाभकारी होंगी। तो आप कोई भी बीमारी से अगर परेशान है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो मैंने आपको ये फार्मूले बताए हैं सारे, आप इसका इस्तेमाल करें, और आपको कितना लाभ मिला है वो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप मुझे पता हो, मुझे खुशी हो कि मेरी बताई गई औषधि से आपको इतना लाभ हुआ है। और अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता, मेरी बताई गई जड़ी बूटियों से फ़ायदा, देसी दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें फिर भी बताएं। उसमें ये होगा कि हम आपको कोई और अन्य उपचार बताएंगे ताकि आप ठीक हो सकें जिससे। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि मेरी बताई गई इन औषधियों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।